उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तमंचे के दम पर एक बुआ के लड़के ने मामा की लड़की के साथ में किया दुराचार। कोसीकला की शाहपुर चौकी क्षेत्र में गांव के रहने वाली एक विवाहित महिला ने पड़ोसी गांव के अपनी बुआ के लड़के पर तमंचे के बल पर जबरन दुराचार करने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत महिला ने थाना 1090 के माध्यम से थाना कोसीकला पहुंचकर पुलिस को लिखित रूप से शिकायत दी, न्याय की लगाई गुहार। आज आप थाने में आई हो, क्या घटना हुई आपके साथ? सर, बोला पुत्र दुष्यंत मेरे गांव घर का आया था सर, अब बोला कि मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। मैंने बोला कि ठीक भाई, मेरी बुआ का लड़का है सर वो। मैंने बोला ठीक भाई, बोला कि मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी सर। मैंने उससे मना किया तो उसने रिवॉल्वर मेरी नाक पर रखकर मेरा रेप कर दिया सर। मैंने उसका उससे पेशाब का बहाना लेकर बाहर निकली वहाँ से जान बचा कर सर। बाहर से मैंने कुंडी लगाई, ताला लगाया सर। मैंने 112 पर मतलब कॉल की, वो नंबर नहीं लगा सर। फिर मैंने 1090 पर कॉल की सर, वहाँ से मुझे हेल्प मिली सर। इतने में बोला क्या बोले, वो जंगला तोड़ कर वहाँ से भाग गया। और सर आसपास के मैं देखा तो उसके मैं मतलब रिवॉल्वर निकाल के और उनको दिखा के वहाँ से भाग गया सर। कौन था क्या नाम है उसका जिसकी देखा उनको सर। सर उनको जिसने देखा उसका नाम है सर काना प्रधान नरसी सर। और आसपास के उन्हें देखा सर वो, और बता दूंगी आपको। क्या चाहती हो सर? मैं इंसाफ चाहती हूँ।